पत्नी गर्भवती है और कई दिनों से उनको सपने में बैल नजर आ रहे, इसका क्या मतलब है? अच्छा, आप चिंता मत करिए, से अभी देख के बता दो। मेरी पत्नी, ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि सुशीला भाई छोटे बालक को जन्म देगी और बड़ा ही मेहनती, दयावान और पुरुषार्थी रहेगा। ऐसी बात है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो राजू की माँ, सुनो, पंडित जी कह रहे थे अपना जो चौथा पुत्र होगा वो बहुत ही पुरुषार्थी और सौभाग्यशाली होगा। ये तो सुन के मैं चिंता मुक्त हो गई। इस तरह 9 महीने बीतने पर पूना नगरी 24/10/1984 सुख नगर के उस पावन भूमि पर ओसवाल परिवार में बालक जन्म हुआ। बालक के नामकरण के उत्सव पर बुआ मामा सभी आते हैं। ए हिंडो आओ दे ये। ओ बजे जाओ पनिया। ओ बजे ओ जाके भाग है सुशीला माँ के कि सर पे से देवराए, कि सर पे से देवराए महावीर जी। शुभ जन्म की घड़ी आई, शुभ जन्म की घड़ी आई, कि सगला खुशियाँ मनावे, कि सगला खुशियाँ मनावे महावीर जी। ओ बजे पूना नगर में बधाई, ओ बजे पूना नगर में बधाई, अपना ये चौथा पुत्र अपने परिवार में बहुत ही जश्न फैला रहा है, क्यों ना इसका नाम अपन जशवंत रखें। इस तरह बालक का नाम जशवंत रखा जाता है। जशवंत बड़ा ही मस्ती रहता है, वह बड़ा ही नटखटपने करते रहता है। मेरे सारे दीवाने बिगड़ रहा है और फेंक रहा है। परेशान करते हैं। अरे जसू अभी छोटा है ना, 3 साल का ही तो है, सब मिलके प्यार से खेलो, ठीक है? हाँ माँ, मगर आप उसको समझा तो बड़ा ही परेशान करता है। तू अभी बड़ा हो गया, इसका जन्मदिन मनाया क्या? माँ, आपका जन्मदिन क्या होता है? जन्मदिन में तुम्हें ढेर सारी टॉफियां और मिठाई मिलेगी। देखा आपने, इतनी छोटी उम्र में दया भाव रखते हुए सारी मिठाइयाँ गरीबों में बांट देते हैं। बचपन से ही दया भाव रखते हैं। गणेश, गणेश, सुनो, अभी बहुत छोटा है, अच्छे से ध्यान रखना। मेरे स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं है, मैं बस अभी कुछ ही दिन रहने वाली हूँ। उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसे अच्छे से पढ़ाना। माँ इसे मत कहो, माँ हमारा क्या होगा, हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा ध्यान कौन रखेगा? माँ कौन रखेगा? माँ इसे मत बोलो माँ। जब सु इधर 5 साल का हो जाता है तो दिन बीत जाते हैं। स्वास्थ्य ज्यादा ही खराब होने पर सभी को दुख भरा समाचार मिलता है। अरे ये क्या हो गया राजू जी, अपने बच्चों की तरफ से देखो, हमें छोड़ कर कहाँ जा रहे हो? माँ उठो, माँ आपको क्या हो गया? माँ उठो, माँ उठो, माँ बाहर लेकर जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं समझता है। 1988 का वो दिन था। डायलॉग याद है ना? सत्यजी आया, सत्यजी आया। एक मिनट, सबने ऑनर से करना पड़ेगा। आई ड्रेस खड़ा रहा था पापा के डायलॉग के हिसाब से कहीं आए।
राजू राजू बचाओ मुझे शॉट लग गया राजू पापा क्या हो गया पापा पापा उठो मम्मी पड़ गई अब हमारा क्या होगा पापा मना कर लेंगे पापा उठो पापा चिट्ठी ना कोई संदेश हो तू ऐसे मत बोल जसू मैंने माँ को वचन दिया है हम तुम्हें खूब पढ़ाएंगे खुद लिखाएंगे और एक महान व्यक्ति बनाएंगे नहीं भैया नहीं मुझे तो नहीं जाना जसू मानता नहीं है जिसके कारण वहाँ चिंचवड़ी गुरु गणेश जैन हॉस्टल में पढ़ने लगे वहाँ बहुत होशियार होने के साथ साथ मन में बचपन से ही दया के भाव रखते हैं एक दिन हॉस्टल की घटना जसू भैया हमें बहुत भूख लगी है हमारे हॉस्टल में रात में खाना भी नहीं देते कुछ करो ना अरे रोना मत किसी को बोलना मत मैं अभी आता हूँ भोजन शाला से 5-6 रोटी जेल में डालकर लाता हूँ मेरे पास चाले तुम खा लेना ऐसे जसू 4-5 बार खिलाते हैं कितनी बार मूवी देखने जाते हैं नहीं यार तुम लोग जाओ अरे तू इतना क्या सोच रहे हैं मूवी के लिए मैं भिक्षा लेने का सोच रहा हूँ क्या यार तू ये क्या कह रहा है हाँ निवेश अरे यार वो तो पागल हो गया है क्या क्या तू बोल रहा है हाँ निवेश मैं भिक्षा लेना चाहता हूँ क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ एक सेकंड अरे हमारे गुरुजी मारा था सेवा करके मारा था कोई सूचित करके बोलती हूँ पूछा आपने हाँ जसू झील की रक्षा में और दया भाव में भी पुण्य है संसार ऐसा है तू संसार मत कर दीक्षा ले ले जसू मैं किसके पास दीक्षा लूँ आप सच्चा है मुझे पढ़ाएगा कौन हम पढ़ाएंगे और तुझे तपस्वी विवेक पुण्य जी के पास दीक्षा देंगे चार साल से धार्मिक पढ़ाई और व्यवहारिक पढ़ाई एमए करने लगे एमए फाइनल किया उसके बाद तुम एक बात जानना चाहते तुम्हारे विवेक पुण्य जी मरासा के कृपा कवच जी मरासा के दर्शन करो तुम्हें आज्ञा मिल जाएगी जसू जानना चाहता है वहाँ पर जाके उड़ीसा के दर्शन करते हैं तपस्वी जी के दर्शन करके गुरु बने समाधि का दर्शन कर लिया तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी जसू समाधि के दर्शन करके तपस्वी विवेक मुनि जी के मरासा के सानिध्य में पहुंचते हैं आपकी सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करूं और आपकी सेवा करता रहूं कुछ पढ़ाई पूरी कर ले सेम तेरे का काफी हो जाएगा
वहाँ दर्शन करके मनुष्य पुनः अपने घर जाते हैं। हेलो लूटे जी, घर जाते हैं वह अपने घर वालों से पूरी बात कहते हैं। घर वाले के विरोध किया, बहुत समझाया मगर जसू नहीं समझते। वह जिद्दी करते हैं, अपनी बात पर रहते हैं और कहते हैं, तुझे कितना समझाते हैं तू समझता ही नहीं। अगर तुझे दीक्षा लेनी है तो मिंदर मांगी में ले, हम मिंदर मांगी है बस। नहीं, मैं स्थानक वासी में ही दीक्षा लूंगा। क्या होता है मिंदर मार्गी स्थानक वासी, क्या हम अपनी लड़की उनमें नहीं लेते, क्या उनकी लड़की अपने में नहीं लेते, तो फिर ये संप्रदाय बात क्यों? जसू की बात सुनकर दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं। 2 फरवरी को मेरी दीक्षा है, आप सब जरूर पधारे। छोटी सी उम्र में मेरा किनारा संसार से तुमने किया किनारा, देख के दुनिया का सारा नजारा पा लिया तुमने प्रभुवर का द्वारा। परिवार से मुखड़ा मोड़ा, प्रभु से नाता जोड़ा, जिनका आसन को अपनाया है, दीक्षा गौरव मुनि जी महाराज साहब रखा गया। संयम लेने के 7 साल बाद 2013 रामकोट के चतुर्मास किया, तब विवेक मुनि जी महाराज साहब आर्य समाज चार के शावक साहब पहुँच गए। दो क्या ए लक्ष्य हट, वो हटाना तो हटा उसको, नहीं तो साइड में रख। विश्व जगत के महान नायक करुण ज्योति महान करुण आनंददाता भाग्य विधाता जय गुरु गणेश महाराज कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। नाम बोलो मंत्री। मेरा नाम विमल जी पितलिया। आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे यहाँ धर्म को जागरूक कीजिए कृष्णा नगर में। ठीक है, आने के भाव रखते हैं। आपके आगे से जरूर बन जाएगा। प्रवचन में स्थानक बनाने के भक्तों को प्रेरणा देते हैं और कहते हैं, कल आपको 13 घंटे का जाप करवाना है। महाराज साहब स्थानक रूप जगह मिल गई है, मामली इस तरह आज हमारे कृष्ण नगर में स्थानक भी हुआ। यहाँ पर तपस्वी विवेक मुनि महाराज साहब आदि थाना 5 का चातुर्मास 24/10/2016 गौरव मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन है। आज महाराज साहब का प्रवचन। शांति बनाए रखिए सर। नहीं क्यों बोल रहे लक्ष्य, वो चेयर हटा दे वहां से। Thank you.
के शहरों में मेरा कोटिश कोटिश नंदन। मेरे आस्था के आयाम, मेरे मन मंदिर के ड्राइवर, जिनका दर्शन मात्र से ही युग युग के भाग कर जाते हैं, युग युग के पाप कर जाते हैं, ऐसे आराध्य गुरुदेव गौर तपस्वी श्री गुरु गणेश गांधी मरासा, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी मरासा, मनोधर केसरी श्री मिश्रीलाल जी मरासा, एक मिनट यार कल शाम में जाना मुझे आगे बनवा जंतु डाउन मेरा पोती पोती वंदन। मेरी जीवन नैया के तारनार उग्र तपस्वी परम गुरु पूज्य श्री विवेक गुरु जी महाराज, श्री सौरभ मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोशिश वंदन। आज दिन लेना मेरे सहयोगी संतगण पूज्य श्री संगम मुनि जी महाराज, श्री ला रहे उसको तो मेरा सुभाष को सुभाष वादे ने आज मेरा जन्मदिन पर ये माइक भी बज रहा है। अपने जीवन में कई रास्ते हैं जिन पर अपने को चलना है। ओ दाता धर्मी माता गर तो नींद नहीं आवे। ओ भाई तू बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जीवन में कर्मों को काटने के लिए धर्म का मार्ग अपनाइए। कर्म का रंग अनोखा कर्म को किसने देखा। नहीं वो बीच में आपको प्रश्न पूछा था कि प्रतिदिन 7 व्यक्तियों की हिंसा करने वाला कौन था, तो उसका सही उत्तर है अर्जुन माली। और तो कुछ महिलाओं की तरफ से जो नाम है उनमें संतोष भाई गुंबरगढ़ और पुरुषों की तरफ से केवल एक ही चिट्ठी आई है, वह भी उत्तर सही है उन्हें शोभा लाल जी धर्मता। भाजी मैं तो रोज ताना करूँ रोज चिट्ठी डालू कभी तो मारे गाँव में नहीं आ गए। तो जिसको जिसको भी नाम लिखाना है दीदी बहन के पास लिखा देंगे। आज हमारे यहाँ मोना भाई और लता भाई का केला है। जय जयकार जय जयकार। Attention, attention, attention!
कैमरा 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 एक साथ में बोलेंगे, एक साथ